हेलो फ्रेंड्स, मैं सर निशांत कुमार सिंह, वेलकम यू ऑल टू रोड टू सक्सेस आईएएस पीसीएस प्रिपरेशन। हम लोग की इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आरएस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी से कवर अप कर रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, उसका नाम है द एज ऑफ सत्वाहनास। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग दो पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। चलिए चालू करते हैं इसका पार्ट नंबर वन। पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी सत्वाहनास की और उसे कवर अप करेंगे। देखिए, जब मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन करना चालू करती है, मौर्य डायनेस्टी का पतन चालू होता है, तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड करते हैं शुंगास, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बाद नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं शुंगास, जिनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंगा। शुंगास के बाद नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आएंगे कन्वास, जो कि कन्वास के संस्थापक होंगे वासुदेव कन्वा। वहीं सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा था, जो कि मौर्य डायनेस्टी के अधीन था, वहाँ मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड करेंगे, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बाद आएगी जो डायनेस्टी, उसका नाम है सत्वाहनास। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है कि मौर्य डायनेस्टी के पतन और सत्वाहनाओं के उदय के बीच में पूरा 100 साल का अंतर है, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि इन 100 साल के दौरान सेंट्रल इंडिया के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी किंगडम्स रूल कर रही थी। पुराणों के हिसाब से सत्वाहनास को आंध्रास के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में सत्वाहनास को आंध्रास के नाम से संबोधित किया गया है। अब जो मौर्य डायनेस्टी के कांटेक्ट में आने की वजह से डेक्कन रीजन के अंदर जो मौर्य मटेरियल कल्चर था, वो काफ़ी कुछ स्प्रेड हो जाता है डेक्कन इलाके के अंदर भी, जो कि एक सुटेबल कंडीशन क्रिएट करता है, जो कि मदद करता है सत्वाहनाओं के उदय के लिए। अब ये मटेरियल कल्चर था क्या? मटेरियल कल्चर था कि यूज़ ऑफ ब्रिक काफ़ी वाइड स्प्रेड हो जाता है डेक्कन इलाके के अंदर। आयरन का इस्तेमाल जो होता है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, काफ़ी व्यापक स्तर पे होने लगता है डेक्कन इलाके में। वहीं साथ ही जो कुएं का यूज़ है, रिंग वेल का इस्तेमाल है, वो भी काफ़ी कॉमन हो जाता है डेक्कन रीजन के अंदर। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपके पास आपको अपना सेटलमेंट जो बनाना होता था वो नदी के किनारे बनाना पड़ता था, पानी की वजह से, पानी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से। पर रिंग वेल की एबिलिटी की वजह से अब जो ये प्रॉब्लम थी कि आपको नदी के किनारे पर रहना है, उससे निजात मिल जाता है और आप अब नदी से दूर भी अपना सेटलमेंट बना सकते थे। अब जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि जो अर्लीस्ट शिलालेख मिलता है सत्वाहनाओं का, उससे पता चलता है कि 1st सेंचुरी BC के अंदर सत्वाहनाओं ने कन्वास को डिफीट किया था। अब पुराणों की माने तो सत्वाहनाओं का जो राज था वो पूरा 300 साल तक रहता है, और सत्वाहनाओं की जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान या पैठन। आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये जो स्टार्ड एरिया है, ये इनकी कैपिटल है प्रतिष्ठान या पैठन। अब इनिशियली जो थे सत्वाहनास, वो जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, जहाँ काफ़ी फर्टाइल लैंड है आपका गोदावरी वैली का, वहाँ रूल करते थे। लेटर वो अपना साम्राज्य जो है उसे और फैलाते हैं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर। अब जो इनके सबसे बड़े राइवल थे और कॉम्पिटिटर थे, जिनसे इन्हें सबसे ज़्यादा थ्रेट रहता था, वो थे शाकास। शाकास जो हैं वो सेंट्रल इंडिया से इन्वेट करते हैं और गुजरात और डेक्कन एरिया के अंदर इनकी शक्ति जो थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्थापित थी। सत्वाहनास बताते हैं कि जो उनका ओरिजिन है वो ब्राह्मण ओरिजिन का है और वो ब्राह्मण हैं। अब फैमिली ट्री देख लेते हैं सत्वाहनास का, यानी कि कुछ सत्वाहनास के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था सिमुक, जो कि सत्वाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बाद जो अगले तेजस्वी राजा हैं वो हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। उसके बाद हम जानेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमई के बारे में, साथ ही साथ यजनश्री सतकर्णी के बारे में भी। चलिए पहले चालू करते हैं इनके संस्थापक सिमुक से। सिमुक जो हैं वो सत्वाहनाओं के फाउंडर थे, उन्होंने सत्वाहना डायनेस्टी को संस्थापित किया और उसे चालू किया। साथ ही साथ सिमुक ने काफ़ी सारे जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनाए, ये एक अचीवमेंट है सिमुक का। देख सकते हैं ये सिमुक के द्वारा जारी किया हुआ उनका कॉइन है, जिस पर उनकी फिगर बनी हुई है सिमुक की। अगले और सबसे तेजस्वी राजा सत्वाहनाओं के, चलिए उनके बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शाकास को डिफीट किया और अपना जो एम्पायर था सत्वाहनाओं का, उन्हें एक नई ऊंचाई पे ले गए। साथ ही साथ उन्होंने जो शाकास के सबसे बड़े राजा थे और उनके सबसे बड़े राइवल और दुश्मन थे नाहफाना को हराया और अपने साम्राज्य को मालवा गुजरात से लेके कर्नाटका साउथ तक फैला दिया और उसका एक्सपेंशन कर दिया। अब नासिक इंस्क्रिप्शन की माने तो नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कुछ टाइटल लिए हैं, जिसमें से पहला टाइटल है एका ब्राह्मणा का,
और वहीं जो दूसरा टाइटल है वो लिया है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, खात्य डापा मनामाडा का, जिसका मतलब है, खाट्य डापा मनामाडा का मतलब है वन हु डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, वो व्यक्ति जिसने क्षत्रियों का जो प्राइड है, यश है, अहंकार है, उसे ध्वस्त कर दिया है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है वहां से कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने काफी सारा लैंड डोनेट किया था कार्ले रीजन महाराष्ट्र के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्ग को। ये जो कार्ले है आज के मॉडर्न टाइम में लोनावला महाराष्ट्र के पास है। कार्ले इंस्क्रिप्शन ये भी बताता है, जो कार्ले का शिलालेख है वो ये भी बताता है कि जो गांव डोनेट किया गया था उसका नाम था काराजी का विलेज। साथ ही साथ गौतमीपुत्र सतकर्णी ने काफी सारे टाइटल भी लिए थे, जैसे राजा राजा और महाराजा। अब अगले जो राजा हैं जो कि जानने योग्य हैं सातवाहनों के अंदर, उनका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमई। वशिष्ठ पुत्र पुलमई के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे वो आपको आंध्र प्रदेश के काफी सारे इलाकों से मिल जाएंगे। साथ ही साथ रुद्रदमन वन का जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है उससे ये भी पता चलता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमई की शादी हुई थी रुद्रदमन वन की बेटी के साथ। जो रुद्रदमन वन है ये शाकास के सबसे तेजस्वी राजाओं में से एक रहे हैं। इनके द्वारा ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया है ये पहला प्योर संस्कृत में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि काव्य शैली के अंदर लिखा गया है। अब जो अगले इंपॉर्टेंट राजा हैं सतवानाओं के, उनका नाम है यजनश्री सतकर्णी। यजनश्री सतकर्णी ने के दौरान काल के दौरान हुआ क्या कि इनसे पहले के राजाओं ने जो मालवा और कोंकण का इलाका था वो शाकास के हाथों वो हार गए थे और वो खो दिया था, पर यजनश्री सतकर्णी ने अपने तेजस्वी और अपने पराक्रम के बल पे मालवा और कोंकण के इलाके को फिर से जीता शाकास से और अपने साम्राज्य में जोड़ा और फिर से सतवाना के साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ यजनश्री सतकर्णी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो काफ़ी लवर थे, काफ़ी फाउंड थे ट्रेड को लेके और नेविगेशन को लेके। तो देख सकते हैं उनके जारी किए गए सिक्कों में भी जो शिप है, जो है आपकी ट्रेड के लिए, उसकी फोटो एग्जिबिटेड है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हमें देखने हैं सतवानास के, वो हैं हाला। हाला सतवानाओं की माने तो 17वें राजा हैं सतवानाओं के। हाला अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट पोएट भी थे। उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, उनके द्वारा लिखी गई कृति है, उसका नाम है घटासत्तासी। घटासत्तासी जो है 700 पोएम का कलेक्शन है जो कि महाराष्ट्रियन प्राकृत डायलेक्ट के अंदर लिखी गई है, यानी कि महाराष्ट्रियन प्राकृत भाषा के अंदर लिखी गई है। ये देख सकते हैं आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो ये पोएम का कलेक्शन है उसका कवर बुक के तौर पर आपको मिल सकता है, घटासत्तासी, जो कि महाराष्ट्रियन प्राकृत डायलेक्ट में लिखी गई है। दोस्तों इसी के साथ जो हम आ गए हैं अपने लेक्चर के एंड पॉइंट के अंदर, अब हम देखेंगे कि सातवाहनों का जो पतन है वो चालू हो जाता है उनके 300 साल के राज्य के बाद। अब अराउंड 3rd सेंचुरी AD के अंदर सातवाहनों की डायनेस्टी जो है वो एंड की ओर आने लगती है, और जब उनका एंड होता है तो सेंट्रल इंडिया के अंदर उन्हें सक्सीड करती है, उनके बाद आती हैं काफ़ी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़। तो उन डायनेस्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। डेक्कन का इलाका जो है वहाँ सतवानाओं को सक्सीड करती है वाकाटका। देख सकते हैं डेक्कन के इलाके के अंदर सतवानाओं को सक्सीड करती है वाकाटका। वहीं कदम्बा सक्सीड करते हैं मैसूर के इलाके के अंदर सतवानास को। ये देख सकते हैं ये कदम्बा मैसूर कर्नाटका के इलाके के अंदर सतवानास को सक्सीड कर रहे हैं। वहीं अभिरस सक्सीड करते हैं, यानी कि सतवानाओं के बाद आते हैं महाराष्ट्र के इलाके के अंदर। वहीं इश्वाकू सक्सीड करेंगे सतवानास को आंध्रा के इलाके के अंदर, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे इश्वाकूस। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है आज का खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।